हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टोरीज बाय गरिमा कुशवाहा। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हर वीकेंड में आपके लिए लेकर आती हूँ वीकेंड बोनस। तो दोस्तों, आज भी मैं आपके लिए वीकेंड बोनस लेके आई हूँ और एक बेहद ही रोचक और मनोरंजक घटना और एक कहानी लेकर आई हूँ, बेंडिगो की असली कहानी। दोस्तों, आप जानते हैं बेंडिगोज एक खतरनाक क्रिएचर होते हैं, पर कोई भी इसके बारे में डीपली नहीं जानता कि आखिर ये कहाँ ओरिजिनेटेड हुए थे, पहली बार इन्हें कहाँ देखा गया था और ये कैसे दिखते हैं। तो मैं आज की वीडियो में आपको यही सब कुछ बताने वाली हूँ। तो बिना देर किए शुरू करते हैं मेरी आज की वीडियो। दोस्तों, वेंडिगोज असल में नॉर्थ अमेरिका के अल्गेक्वियन भाषा बोलने वाली जातियों में एक अलौकिक प्राणी है। ये वहाँ की जातियों द्वारा उनके पारंपरिक कथाओं में एक अलौकिक और एक खतरनाक प्राणी के रूप में दर्शाया जाता है। जैसे कि आप यूरोपियन स्टोरीज़ में अक्सर वेयरवुल्फ्स और वैम्पायर्स की कहानी सुनते हैं, उसी तरह इन अमेरिकन स्टोरीज़ में आपको वेंडिगोज और स्किन वर्कर्स की कहानी सुनने को मिलेगी। वेंडिगोज को अक्सर एक शैतान और ख़तरनाक राक्षस के रूप में दिखाया जाता है, जो अक्सर अपने शिकार को मारने के लिए और फिर उसे खा जाने के लिए प्रसिद्ध हैं। अक्सर वेंडिगोस को नरभक्षी बताया जाता है, मतलब वो इंसानों का ही शिकार करके इंसानों को ही खाते हैं। असल में वेंडिगोस खुद भी एक तरह से इंसान ही होते हैं। जितनी भी पारंपरिक कथाएं हैं वेंडिगोस के बारे में, उन सभी कथाओं में अक्सर यही बात कही जाती है कि एक आम इंसान ही अक्सर अपनी विपरीत परिस्थितियों की वजह से या फिर अपनी किसी कमी की वजह से या फिर लालच की वजह से वेंडिगोस में बदल जाते हैं। वेंडिगोस ऐसे ख़तरनाक और शक्तिशाली शैतान या राक्षस होते हैं जो बिजली से भी तेज़ गति से दौड़ सकते हैं और उनकी सूंघने और देखने की क्षमता इंसानों से कहीं बेहतर होती है। इसलिए वो इंसानों को मीलों दूर से भी सूंघ सकते हैं और उन्हें पहचान सकते हैं। अगर आप भाग कर वेंडिगो से बचने की कोशिश करते हैं तो आपका बचना लगभग नामुमकिन है, क्योंकि वेंडिगो आपसे कहीं तेज स्पीड में भाग सकता है और आपको कुछ ही क्षणों में दबोच सकता है और एक दर्दनाक मौत दे सकता है। अलग अलग जगहों और अलग अलग भाषाओं में वेंडिगोस के अलग अलग नामों और अलग अलग विशेषताओं को दर्शाया जाता है और उसी तरह उसके आकार और उसके चेहरे के बारे में भी लोग अलग अलग तरह की बातें करते हैं। कुछ लोगों के अनुसार वेंडिगोस बेहद पतले और काफ़ी ऊंचे और लंबे हाइट के शैतानी राक्षस होते हैं। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि वो काफ़ी मजबूत और मोटे तगड़े किस्म के शैतान होते हैं और जितना ज़्यादा वो शिकार करते हैं और जितनी ज़्यादा लोगों को वो खाते हैं, उतने ही ज़्यादा ताकतवर और विशालकाय होते जाते हैं। कुछ कहानियों में कहा जाता है कि वो बहुत पतले होते हैं, साथ ही उनकी त्वचा बिल्कुल राख के जैसी बिल्कुल काली होती है और उनका चेहरा बिल्कुल एक कंकाल के जैसा होता है जिसमें रत्ती भर भी मांस नहीं होता। और कुछ और कहानियों के अनुसार वेंडिगोस के बिल्कुल जानवरों जैसे लंबे कान होते हैं और उनके सर पर नुकीले सींग होते हैं और उनकी आँखें बिल्कुल सुलगते हुए अंगारों जैसी लाल और खौफनाक होती हैं, बिल्कुल चमकीली। वेंडिगोज हमेशा बेहद शक्तिशाली जीव होते हैं जो अपनी शक्तियों से अपने शिकार का पीछा कर सकते हैं, उन्हें पकड़ सकते हैं, उन पर हावी हो सकते हैं और आखिरकार उन्हें मार कर खा सकते हैं। किंवदंतियाँ यह भी बताती हैं कि वेंडिगोज बिना डूबे पानी में चल सकते हैं और बिना किसी तरह की हानि पहुँचे हुए बर्फ में भी दब कर सालों तक रह सकते हैं। ऐसी खतरनाक और बेहद विलक्षण किस्म की खासियतों के होने के कारण वेंडिगो अपने आप में एक बेहद खतरनाक और शक्तिशाली दानव बन जाता है। अगर हम बात करें कि सबसे पहले और शुरुआती तौर पर वेंडिगोस को कहाँ देखा गया या उनका लिखित साक्ष्य कहाँ मिलता है, तो हम पहुँच जाते हैं 17वीं शताब्दी के आसपास, जबकि यूरोपियन अमेरिका तक नहीं पहुँचे थे। उस वक्त इसका सबसे पहला लिखित विवरण एक यूरोपीय द्वारा मिलता है। उनका नाम पॉल लेजियों था, जो कि एक
जेसुइट मिशनरी थे। वो सालों पहले 17वीं शताब्दी की शुरुआत में अल्गोन्क्विन लोगों के साथ रहने के लिए गए थे और वहाँ रहते हुए उन्होंने उस शैतान का सामना किया, और जब उन्होंने उसे देखा तो उन्होंने यूरोपीय लोगों को उसके बारे में बताने की कोशिश की और उन्होंने उन्हें एक पत्र लिखा। और उनका लिखा हुआ पत्र कुछ इस तरह से था, एक शैतानी महिला, एक राक्षसी जो यहाँ के अल्गोन्क्विन लोगों को खा रही है, वो अब तक कई लोगों को अपना शिकार बना चुकी है। यहाँ एक नदी है जिसे 3 नदियों के नाम से जाना जाता है। उस नदी के किनारे वो अक्सर अपने शिकारों को पकड़ता है। वो अब तक उस इलाके से बाहर नहीं आया है क्योंकि अब तक उसे वहाँ से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी है, पर वो वहाँ से बाहर जा सकता है, यहाँ तक कि हमारा पीछा करते करते यूरोप तक आ सकता है। इसलिए जल्द से जल्द इसके खात्मे की कोई ना कोई युक्ति निकालनी पड़ेगी, हमें और संभल कर रहना होगा। दोस्तों, अगर हम बात करें वेंडिगोस की मौत के बारे में या फिर ऐसे तरीके जिनसे वेंडिगोस को मारा जा सकता है, तो इस पर भी कहानियों के अनुसार बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिनसे वेंडिगोस को मारा जा सकता है। हर एक कहानी का अपना एक अलग तरीका है। कुछ लोगों का कहना है कि इन्हें भारी हथियारों जैसे बंदूकों से या राइफल से मारा जा सकता है। कुछ अन्य कहानियों के हिसाब से वेंडिगो को मारने के लिए उसके दिल को किसी तेज धारदार हथियार से काटकर एक पवित्र अग्नि सुलगाकर उसमें जला देना होता है, जिसके बाद वेंडिगो का अंत हो जाता है। इसके अलावा कुछ लोग ये भी कहते हैं कि वेंडिगोस को मारने के लिए कुछ खास व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति जो ईश्वर में अटूट विश्वास रखते हों और खुद विशिष्ट शक्तियों से परिपूर्ण होते हों, ऐसे लोग वेंडिगोस को उनकी ताकत, शक्तियों और मंत्रों के द्वारा भगा सकते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ ख़त्म होती है हमारी आज की वीडियो। मुझे उम्मीद है कि वेंडिगोस के ऊपर मेरी ये जानकारी आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और जुड़े रहिए मेरे चैनल स्टोरीज़ बाई करिमा कुशवाहा से। साथ ही साथ वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।